हे गाइस, वेलकम टू ऑटो रिव्यूज। आप सब लोगों को आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक और एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज आप लोग देख सकते हो कि आज हमारे साथ है 2024 वोक्सवैगन टाइगून जीटी ट्रेल एडिशन। अब ट्रेल एडिशन का खासियत है कि ट्रेल एडिशन आपको सिर्फ मतलब जो हाईलाइन बेस्ड जीटी है, जो टाइगून आता है उस पर ये पूरा गाड़ी बेस्ड है। मतलब ये आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। कोई भी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स इस गाड़ी में ऑफर नहीं किया गया। एंड इस गाड़ी की अगर आप लोग प्राइसिंग की बात करेंगे तो इस गाड़ी का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली आपको 16.77-78 तक जाता है। एक शोरूम प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी के हिसाब से वो डिसाइडेड होगा आपको कितना ज़्यादा ऑन रोड आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना समय बर्बाद किए। मेरा नाम अनंग शालदार, आप देख रहे ऑटो रिव्यूज़ का यूट्यूब चैनल। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपसे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हियर इज द कार। दिस इज द 2024 वोक्सवैगन टाइगून जीटी ट्रेल एडिशन। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द इंजन। इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको वही सेम 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 148 bhp का पावर देखने को मिलता है एंड 250 Nm का टॉर्क विद 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। अब सबसे पहले डिजाइन की तरफ देखेंगे तो डिजाइन यहाँ पे थोड़ा सा तगड़ा सा डिजाइन यहाँ पे दिया गया बिकॉज ये ट्रेल एडिशन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब ब्लैक एलिमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। देख सकते हो एलॉय व्हील वगैरह ये सब आपको ब्लैक में देखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलैम्प्स। हेडलैम्प्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप देखने को मिलता है विद डीटीएम रनिंग लाइट्स, जो आपको यहाँ पे माउंटेड देखने को मिलेगा। हेडलैम्प्स के थ्रो की बात करेंगे तो इसका थ्रो काफी ज्यादा अच्छा है। जब आप लोग इस कार को रात में चलाएंगे तो ये हेडलैम्प्स आपको एक बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा फॉर श्योर। उसके साथ अगर आप लोग यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे बेस देखने को मिलता है एंड इंडिकेटर्स आपको हैलोजन में ही देखने को मिलेगा। अब हेडलैम्प्स के अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्रोम सा सराउंड देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको फॉग लैम्प्स माउंटेड देखने को मिलता है। फॉग लैम्प्स की बात करेंगे तो फॉग लैम्प्स आपको अगेन हैलोजन में ही देखने को मिलेगा और फॉग लैम्प्स का जो थ्रो है ये भी आपको एक अच्छा खासा थ्रो ये आपको प्रोवाइड कर देगा। टॉकिंग अबाउट द हेड ग्रिल, फ्रंट ग्रिल, तो फ्रंट ग्रिल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड क्रोम सराउंड के साथ एक पूरा फ्रंट ग्रिल देखने को मिलता है। एज यू कैन सी बीच में आपको VW का बैजिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको GT की बैजिंग देखने को मिलता है और उसके साथ थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो फ्रंट बम्पर वगैरह, यहाँ पे आपको रेडिएटर ग्रिल वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलता है और उसके साथ आपको यहाँ पे क्रोम सा एक पार्ट मिलता है और नीचे आपको एक सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगा। अब स्किड प्लेट्स किस वजह से गाड़ी में दिया था, सभी लोग जानते हो कि अगर आप लोग खराब रास्ते में जाते हो इस गाड़ी को लेकर तो ये आपके गाड़ी का नीचे का जो पेंट है उसको खराब नहीं होने देता है। यहाँ पे बॉनेट की तरफ देखेंगे तो कट्स देखने को मिलता है, विंडशील्ड की तरफ देखेंगे तो वाइपर देखने को मिलता है एज यू कैन सी। सो गाइस, दिस इज द ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस कार। आप एक बार देख लीजिए, फ्रंट से आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। एंड नाउ लेट्स गो टू द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार। तो साइड से मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो साइड से जैसे आप लोग इस गाड़ी को देखेंगे तो साइड से आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है एज यू कैन सी। गाइस, साइड से भी इसको एक काफ़ी ज़्यादा रगेड सा लुक यहाँ पे ऑफर किया गया है फॉर श्योर। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में तो यहाँ पे व्हील आर्च देखने को मिलता है एंड फ्रंट टायर की तरफ देखेंगे तो जो फ्रंट टायर है ये आपको MRF वंडरर का टायर देखने को मिलता है। टायर साइज आपको 16 इंच का रेडियल टायर विद ब्लैक अलॉय व्हील देखने को मिलेगा और फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। तो यही था पूरा फ्रंट टायर के बारे में। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको GT की बैजिंग मिलता है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का मिरर देखने को मिलता है विद टर्न इंडिकेटर्स। विंडो बेडलाइन की बात करेंगे तो विंडो बेडलाइन आपको मैट ब्लैक पे देखने को मिलता है एंड बी पिलर ऑल्सो फिनिश्ड इन मैट ब्लैक। ऊपर में देखेंगे तो रूफ रेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड डोर हैंडल्स की बात करेंगे तो डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में ही देखने को मिल जाएगा। रियर डोर हैंडल अगेन आपको बॉडी कलर में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ट्रेल की बैजिंग और उसके साथ कुछ ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे आपको रियर व्हील आर्च देखने को मिलता है। दिस इज योर रियर टायर। रियर टायर की बात करेंगे तो रियर टायर आपको MRF वंडरर का टायर मिलता है, यहाँ पे भी आपको 16 इंच का रेडियल टायर विद ब्लैक अलॉय व्हील देखने को मिलता है। लेकिन रियर पे जो है, रियर पे आपको ड्रम ब्रेक दे दिया गया। आई थिंक VW को इसको चेंज कर देना चाहते बिकॉज इस गाड़ी में जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा एक पावर मिलता है इस गाड़ी को, तो आई थिंक इसको पीछे डिस्क ब्रेक ऑफर कर देना चाहिए। अभी यहाँ पे सस्पेंशन वगैरह तो आप सभी लोग जानते हो, सस्पेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड नाउ लेट्स गो टू द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस कार। तो रियर से जैसे ही आप लोग देखेंगे तो रियर से भी इसको एक काफ़ी ज़्यादा कूल सा डिज़ाइन के साथ ये पूरा गाड़ी देखने को मिलता है। सबसे ऊपर देखेंगे तो दिस इज अ शार्क फिन एंटेना एज यू कैन सी। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो रूफ एंड स्पॉइलर अलोंग विद हाई माउंट स्टॉप लैंप और थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो दिस इज योर रियर डिफॉगर अलोंग विद रियर वाइपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज योर टेल लैम्प्स, बेसिकली LED टेल लैम्प्स यहाँ पे ऑफर किया गया है। और इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे प्लेस देखने को मिलेगा जो आपका हैलोजन में मिलता है। यहाँ पे आपको GT की बैजिंग, यहाँ पे आपको टाइगून की बैजिंग, यहाँ पे आपको VW की बैजिंग और यहाँ पे आपको ट्रेल एडिशन की बैजिंग देखने को मिलता है।
मिलता है। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर बम्पर वगैरह ये सब कुछ ऑफर किया गया है। यहाँ पे भी आपको क्रोम सा स्ट्रिप मिलता है जिसके अंदर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड ऑफर किया गया है। साथ में आपको पार्किंग सेंसर्स मिलता है पीछे, और जो इसका रियर पार्किंग कैमरा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, आप लोग सभी क्लियरली देख सकते हो। तो यही था पूरा गाड़ी का रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल में जो जो था मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। तो यहाँ पे बूट को देखने के लिए हमें टेलगेट को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट मिलता है एज यू कैन सी। यहाँ पे डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोग नॉर्मल टाइगुन से कंपेयर करते हो। आपको बूट स्पेस सेम मिलता है, यहाँ पे जगह आपको अच्छा खासा दिया गया है। आपका दो बिग साइज के सूटकेस यहाँ पे आराम से फिट हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे स्प्लिट सीट मिलता है, 60-40 स्प्लिट सीट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बूट लैम्प मिलता है जो आपका हैलोजन में देखने को मिलेगा, और उसके साथ थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो नीचे आपको जो स्पेयर टायर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्पेयर टायर की बात करेंगे तो ये भी आपको MRF का ही दिया गया, और साथ में यहाँ पे आपको और ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे आपको एक शॉपिंग हुक दिया गया, और लोडिंग लिफ्ट की बात करेंगे तो लोडिंग लिफ्ट यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया गाइस, मतलब कि अगर आपके पास थोड़ा सा भारी सामान हो तो आपको उसको उठा के इसके अंदर रखना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। ऊपर में देखेंगे तो पार्सल ट्रे शेल्फ मिलता है। एंड यही था पूरा बूट का कहानी। अभी कर देते हैं टेलगेट को बंद एंड जाएंगे इस कार के अंदर। अंदर जाने से पहले दरवाजे की तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो दरवाज़ा आपको ड्यूल टोन पैटर्न में मिलता है, ब्लैक एंड बेज। इनसाइड डोर हैंडल आपको सैटिन फिनिश में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग कंट्रोल मिलता है। थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पे भी आपको कुछ कंट्रोल मिलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कोई पावर विंडो का कंट्रोल, ORBM का कंट्रोल, यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिलता है। और साथ में अगर आप लोग बॉटल होल्डर के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आप 1 लीटर की बॉटल्स आराम से बैठा के ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पीकर मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको AC वेंट दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूरा लाइट का कंट्रोल, यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलिंग दिया गया है। थोड़ा सा नीचे आपको तीनों पेडल्स मिलता है, एंड ये पेडल्स आपको एल्युमिनियम फिनिश में देखने को मिलेगा। टॉकिंग अबाउट द सीट्स, तो सीट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कंपनी फिटेड सीट कवर के साथ ये पूरा सीट आपको देखने को मिलता है। लेदर अपहोल्ड्स के साथ ये पूरा सीट आपको मिलेगा। यहाँ पे हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल देखने को मिलता है। सीटिंग कंफर्ट की बात करने से पहले यहाँ पे ट्रेल एडिशन की बैजिंग देख सकते हो। यहाँ पे देखेंगे तो सीट जो कंफर्ट है, कंफर्ट इज वेरी नाइस, मुझे यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं है। एंड सीट्स का जो ओवरऑल जो फिनिश है, ये ब्लैक के ऊपर ये रेड जो ये लाइन दिया गया, इससे ये सीट्स काफ़ी ज़्यादा एक स्पोर्टी सा फील करवा रहा है फॉर श्योर। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीट्स का एडजस्टमेंट मिलता है जो आपका मैनुअल एडजस्टमेंट है। और उसके साथ अगर आप लोग स्टेयरिंग व्हील की तरफ देखेंगे तो स्टेयरिंग व्हील आपको लेदर स्टेयरिंग व्हील मिलता है विद स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मीडिया कंट्रोल्स देखने को मिलता है, और उसके साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एक्सेस करने का कंट्रोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाई बीम मतलब पास लाइट का स्विच मिलता है। यहाँ पे जो हेडलाइट का स्विच वो आपको अलग से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स एंड पास लाइट का स्विच मिलेगा, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाइपर का कंट्रोल देखने को मिल जाता है। सो गाइज यही था मतलब स्टीयरिंग व्हील के बारे में। अभी हम लोग जाएंगे इस गाड़ी के अंदर। एंड दरवाजे का थर्ड आपने सुन लिया, थर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखेंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पे क्लस्टर आपको फुल्ली एनालॉग पे मिलता है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड देख सकते हो कि यहाँ पे जो टैकोमीटर एंड स्पीडोमीटर है ये आपको फुल्ली एनालॉग पे ही देखने को मिलेगा। तो लेफ्ट साइड पे आपको टैकोमीटर मिलता है, राइट साइड पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ पे टेम्परेचर इंडिकेशन एंड फ्यूल गॉज ये भी आपको मतलब एनालॉग फॉर्मेट पे ही देखने को मिलेगा। एंड बीच में जो MID स्क्रीन दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको लाइव स्पीड दिखाएगा, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, डिस्टेंस टेम्प्टे, एवरेज फ्यूल कंज्यूमशन, ये सब का फंक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग बात करेंगे डिजिटल टाइम दिखाएगा, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है, और कुछ यहाँ पे इंडिकेशन वगैरह भी आपको सारी जगहों पे देखने को मिल जाता है। सो गाइस यही था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सो ये देख सकते हो गाइस कि इंफोटेनमेंट सिस्टम ये टर्न ऑन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्मूथनेस के बारे में बता देना चाहता हूँ कि स्मूथनेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा स्मूथनेस मिलता है, मुझे यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं है। एंड ये आपको एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले के साथ देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे फ़ोन, रेडियो, नेविगेशन, कनेक्ट, ये सबका फंक्शन मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ सेंसर स्विच देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल का जो स्विच है ये आपको एज ए सेंसर स्विच देखने को मिलता है, कोई भी आपको फिजिकल बटन देखने को नहीं मिलता। और सेटिंग की तरफ अगर आप लोग जाते हो तो सेटिंग आपको सेम ही मिलता है, कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ से आप लोग ब्राइटनेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, और उसके साथ यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग, सिस्टम, कार, मीडिया, एप्स, नोटिफिकेशन, ये सबका फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो AC वेंट मिलता है। नीचे देखेंगे तो नीचे आपका हैजल लाइट का स्विच, यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट
आपको बटन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एसी का पूरा कंट्रोल मिलता है। सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में दिया गया है। यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलता है, यहाँ पे एसी ऑटो में कर सकते हो, यहाँ से एसी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैक्स डिफॉगर का एक स्विच मिलता है, यहाँ पे आपको दो डिफॉगर का स्विच देखने को मिलेगा। यहाँ से आप टेम्परेचर का एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ से आप लोग ब्लोअर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 12V का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे आपको दो सी टाइप पोर्ट मिलता है। एक सेकंड मैं आपको फ्लैश लाइट जला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दो सी टाइप पोर्ट देखने को मिलता है और उसके साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एक्सेसरीज फिटमेंट है, वो है इसका जो डैश कैम देख सकते हो। यहाँ पे आपको ब्लॉपंक का डैश कैम मिलता है जो आपको एज एन एक्सेसरी ही देखने को मिलेगा, मतलब कस्टमर रिक्वेस्ट पे ये बेस्ड है। और उसके साथ अगर आप लोग गियर बॉक्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 6-पिन मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। गियर शिफ्ट की बात करेंगे तो गियर शिफ्ट आप लोग देख सकते हो, गियर शिफ्ट काफी ज्यादा स्मूथ है, मुझे यहाँ पे कोई भी कंप्लेन नहीं है। और उसके साथ यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक, ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट मिलता है। आर्मरेस्ट के अंदर के स्पेस की बात करें तो डिसेंट टाइप का एक स्पेस यहाँ पर ऑफर किया गया है। और ग्लव बॉक्स की तरफ देखेंगे तो ग्लव बॉक्स के अंदर का जो स्पेस है ये भी आपको एक डिसेंट टाइप का, मतलब अच्छा खासा स्पेस मिलता है। सॉरी, यहाँ पे आप जरूरी डॉक्यूमेंट्स आराम से बैठा के ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कूलिंग का फंक्शन मिलता है, तो बेसिकली अगर आपके पास पानी हो, कॉफी जूस वगैरह हो, तो आप इसके अंदर रख के ठंडा कर सकते हो। यहाँ पे इंटीरियर का जो ओवरऑल फिनिश है, फिनिश भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये जो टेक्सचर है, टेक्सचर में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इंटीरियर ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में यहाँ पे आपको मैनुअल डिमिंग, हायर बीम मिलता है, यहाँ पे सनवाइजर मिलता है। सनवाइजर की बात करेंगे तो पैसेंजर से सनवाइजर में आपको मिरर मिलता है बट देयर इज नो लाइट। एंड ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कैबिन लैम्प दिया गया, तो कैबिन लैम्प की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको LED कैबिन लैम्प, दो कैबिन लैम्प मिलता है LED में देखने को मिलेगा। और उसके साथ अगर आप लोग यहाँ पे सनरूफ की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको कोई भी सनरूफ ऑफर नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको कोई भी आपको सनग्लास होल्डर भी देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइज, यही था पूरा मतलब फ्रंट के बारे में, फ्रंट में जो जो था मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। अब चलते हैं इस गाड़ी का रियर सीट पे, रियर सीट पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि इस गाड़ी का रियर पैसेंजर्स के लिए कितनी ज्यादा स्पेस, क्या कम्फर्ट एंड क्या फीचर्स वहाँ पे ऑफर किया गया है। लेट्स गो। सो गाइस, नाउ लेट्स गेट इनटू द रियर सीट। उससे पहले रियर डोर के बारे में मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। रियर डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्यूल टोन फिनिश पे देखने को मिलता है। एज यू कैन सी यहाँ पे देखेंगे तो सैटिन फिनिश पे इनसाइड डोर हैंडल, यहाँ पे पॉडिनो का कंट्रोल, यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बॉटल अलग अलग जगह दिया गया है जहाँ पे आप एक एक लीटर की बॉटल्स आराम से बैठे के ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेफ्ट साइड पर आपको स्पीकर मिलता है। टॉकिंग अबाउट द रियर सीट्स, तो रियर सीट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको सीट कवर मिलता है, कंफर्ट फिटेड सीट कवर यहाँ पे दिया गया है। ट्रेल एडिशन की बैजिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीट का जो ओवरऑल कंफर्ट है, कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है। और अगर मैं सीट्स पे बैठ के आपको दिखाऊंगा तो फ्रंट सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है और मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरवाजे का थर्ड अगर आप लोग सुनेंगे तो थर्ड आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त सा एक थर्ड मिलता है। यहाँ पे आपको जो नी रूम स्पेस है, नी रूम स्पेस देख सकते हो कि अच्छा खासा नी रूम स्पेस मुझे मिल गया। मैं यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबली अपना पैर पूरा खोल के जा सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ऑलमोस्ट 5'7" और मुझे यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई 6 फीट का बंदा बैठेगा तो उसको भी शायद उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा एज पर माई ओपिनियन। यहाँ पे देखेंगे तो जो थाई सपोर्ट है, थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक ही दिया गया। एंड दो एसी वेंट मिलता है, यहाँ पे आपको दो सी टाइप पोर्ट दिया गया। यहाँ पे बीच में आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद कप होल्डर्स, तो आप लोग देख सकते हो। तो अभी करते थे आर्मरेस्ट को बंद। एंड ऊपर देखेंगे तो ऊपर में आपको दो कैबिन लैम्प मिलता है जो आपका LED में ही दिया गया, और साथ में यहाँ पे आपको चारों ग्रैब हैंडल्स दिया गया। तो जर्मन गाड़ी में ये एक अच्छी बात है कि आपको चारों जगहों पे ग्रैब हैंडल मिलता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और उसके साथ अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे हेडरूम स्पेस के बारे में, तो हेडरूम स्पेस भी आप लोग देख सकते हो गाइस की हेडरूम स्पेस भी आपको अच्छा खासा हेडरूम स्पेस हमें देखने को मिल गया। मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पे सीट्स पे बैठ के जा सकता हूँ लॉन्ग ट्रिप्स पे, मुझे आसानी से थकावट नहीं आएगी। तो यही था पूरा रियर सीट के बारे में, रियर सीट पे जो जो था मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। अब जाएंगे इस कार के बाहर। सो गाइस, दिस वाज माय डिटेल रिव्यू अबाउट द 2024 Volkswagen Tiguan ट्रेल एडिशन। अब ये जो गाड़ी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये गाड़ी अवेलेबल है ओनली GT में, मतलब ये आपको मैनुअल गियर बॉक्स के साथ देखने को मिलता है। एंड GT जो हाईलैंड बेस्ड GT है उसके ऊपर ये गाड़ी पूरा बेस्ड है। तो अगर आपको ये गाड़ी पसंद है, मतलब आपको एक रॉकेटनेस सा लुक चाहिए अपने गाड़ी के साथ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक एलिमेंट्स की वजह से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब
अलग सा एक फील आपको डेफिनेटली ये देगा। एंड उसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये गाड़ी ओवरऑल कैसा लगा, और अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो वो भी हम नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपसे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।